हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम खानी के ओएसटी पे रिएक्शन देंगे हम आपको। एक्चुअली ड्रामा है ना, ये हो गया 3 साल पुराना, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे रिकमेंडेशन आ रहे हैं कि ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए। अच्छा, तो शुरू करने से पहले हमने सोचा पहले इसके हम जो साउंड ट्रैक है वो देख लेते हैं, और ये भी राहत फतेह अली खान जी ने ही गाया है। मोस्ट प्रोबेबली फिर मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें भी फिरोज़ खान है जो कि हमने उसमें देखा था सबसे पहले खुद और मोहम्मद में। और ऐसा कहा जाता है कि इस ड्रामे के बाद ही बिकेम अ सुपरस्टार। ओह अच्छा, या तो चलिए देखते हैं जी, ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे, पहले हम जल्दी से गाना सुनते हैं। हमारे जिस्म तो जुदा हो सकते हैं लेकिन रूहें नहीं। कुछ हो गया? यार इनकी आवाज, बट ऐसा लग रहा है लड़की को कुछ हो गया। रब्बा तेरी खुदाई हाय याद है आई, दिल ये देता दुहाई, हमसे दे तू रिहाई, हाल कैसे सुनावा, रोग कैसे निभावा, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। Oh my God, intense. Oh, दुश्मन इश्क। जब दिमाग ही नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही। मेरी बच्चियों के खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे हैं उन्होंने 2 सालों में। हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग। कैसे मोड़ पे ना जाने लाई है ये जिंदगी, रूठा रूठा है नसीबा, रूठी रूठी हर खुशी, देखे थे जो ख्वाब सब टूट गए, वो कह रही है आंखों से शायद मेरी बेबसी, कोई बिछड़ा याद आए आंसू पिया ना जा, किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क, इश्क कैसा ये दर्द है इश्क, इश्क मेरा दुश्मन, मेरा इश्क। पहले उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें। तुम नहीं जानती हो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है, सारे हम खुद हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते। लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे। ऐसे दर्द में हम कुछ कर ही न जाएं, दर्द सहते सहते कहीं मर ही न जाएं, कैसे हम संभाले इस बेहाल दिल को, अपने आप से हम कहीं भर ही न जाएं। रब्बा दिल तू वैसी सजा दे, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क, इश्क कैसा ये दर्द है इश्क, इश्क मेरा दुश्मन मेरा इश्क, इश्क मैं मार मुकावा। जग है निशाना इश्क दा, मंजिल है गहरी इश्क दी, बकरी कटहरी इश्क दी, तू शादी को तोड़ना चाहता है, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। मेरे इश्क दे मंदा रबा मतलूब दी, सुनदा है गल में जग है निशाना, काफी अमीर दिखा रहा है। दिल से तो नहीं निकल सकते, इसकी जिंदगी से तो निकालना पड़ेगा। इश्क दे रोग दा, इश्क दे
इश्क दे रोग रवले अकला शकला वाले की ते ऐसे इश्क ने कमले उसको भी मिल जाए भैया से ना उस वाया ते खारिया बाजो गुजरे इश्क दे पल्ले तो गाने पे तो चलो हमारा ध्यान जा रहा था, बट वो स्टोरी जो साथ में चल रही थी ना उसने थोड़ा हमारे को वो कर दिया, ये हो क्या क्या थोड़ा थोड़ा ना स्टोरी का भी आइडिया हो गया है, थोड़ा सा मतलब डेंजरस टाइप का प्यार लग रहा है। मगर गाना बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत ही अच्छे, तो कुछ कुछ सिंगर्स हैं जिनके गाने मैं सुनती हूँ ना तो ऐसे कनेक्शन हो जाता है कि पता नहीं कि मतलब कुछ होता है। तो यही है राहत फ़तेह अली खान और एक है आतिफ असलम, इनके इनके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं वो भी। बहुत अच्छा गाना था, पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी थी, थोड़ा थोड़ा स्टोरी के बारे में भी पता लग गया हमें और काफी इंटरेस्ट जा गया अभी। भाई मैं तो कहती हूँ जो इस... जिसको प्यार करता है उसको वापस भी प्यार मिले और उनको भाई सब टी को ये सब ना हो। और बीच बीच में जो डायलॉग्स है ना, मतलब वो नॉर्मली गानों में होता नहीं है, तो इसमें डायलॉग्स तो और भी अच्छा लग रहा था, वो थोड़ा स्टोरी के बारे में पता लगा। सो इट्स अ स्मॉल ट्रेलर इन इटसेल्फ, हाँ है ना, तो आपको स्टोरी का भी पता लग रहा है थोड़ा, मतलब शुरू में तो ऐसा लग रहा है कि लड़की को ही तो कुछ नहीं हो गया क्योंकि उसकी पोर्ट्रेट रखी है, आगे कैंडल्स लगी हुई हैं, बट इतना सा पता लगा कि लड़के ने उसने उसके भाई को मारा है शायद, एंड फिर वो जेल में भी था, लड़के के फादर या लड़की के फादर कह रहे जिंदगी से निकालना पड़ेगा एंड ऑल दोस थिंग्स। और उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है यार, लाइक आई थिंक फिरोज खान जो है ना वो उनको या तो किसी मिनिस्टर का बेटा दिखाया है या बहुत बड़े कोई पॉलिटिशियन का बेटा है, बहुत पैसे वाला है, अच्छा। क्योंकि उनका घर देखो आप कितना बड़ा था, एंड उसके फादर जो है वो उसको ही इज ट्राइंग टू सेव हिम राइट। तो मतलब ड्रामा देखना पड़ेगा, ये तो काफी इंटेंस लगा, काफी अच्छा लगा, अलग सी स्टोरी लग रही है ना। तो जी बहुत मजा आया गाना सुन के भी और थोड़ी सी स्टोरी समझ के भी। तो आप बताइएगा आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और आइडियाज दीजिएगा, एंड हम आते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।